आदिल अजीज रियासत जम्मू कश्मीर के सरपरस्त आला एलजी मनोज सिन्हा जी, यहाँ पे हमारे डीडीसी के मेंबर, डीडीसी चेयरमैन और दूर दराज इलाके, चाहे वो अनंतनाग है, बडगाम, सर मेरी तरफ से नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी कौम की तरफ से शायद इस पिछले एक डेढ़ साल के अंदर जिस तरह का हमारे साथ यहां से लेकर दिल्ली तक जो रवैया बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हम यहां की स्टेट गवर्नमेंट के आपके माध्यम से और दिल्ली सरकार के भी आपके माध्यम से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इस रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में, वादी कश्मीर के खास तौर पे, शायद आज मेरा तीसरा आपसे मुलाकात करने का मुझे मौका मिला। मैं शायद पूरी अपनी बरादरी के नौजवानों से और अपने आपको खुशी में समझता हूं कि हमें यहां राजभवन में आने का कभी मौका ही नहीं मिलता था, हमें किसी बड़े अधिकारी से मिलने का कहीं मौका नहीं मिलता था। मिलता था भाई? तो आपने जो हमें मौका दिया, इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। रफीक साहब की ही सरबराही में 2017 में हमने स्टार्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपने ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से, जिसमें सारे ट्राइबल्स की जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशनें थी वो हमने जम करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और शायद हमारा पहला लॉट था 2017 में, जिन्होंने जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट किया कि हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया जाए। हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और यहाँ की सरकार का कि वो राइट समय मिले। मैं समझता हूँ कि ये तारीख में पहली दफा हो रहा है कि हमारे लोगों को यहाँ पे आने का जो है मौका दिया गया है, चाहे जुकाम लेवल हो या ये। इसके लिए हम जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें, मेरे ख्याल से बहुत कम है। और खैर, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिला बड़गाम से हूँ और हर जिला के लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो अपने जिले के को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बड़गाम की अगर बात करूँ तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एक मुकाम है, सेहत अफजा मुकाम है यूसमर्ग। यूसमर्ग जो है खूबसूरती के लिहाज से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन यह है कि हमारे वहां पे ट्राइबल के बहुत ज्यादा लोग हैं लेकिन बहुत कम फायदा है। और यूसमर्ग को जो है अभी तक जो है किसी किस्म की जो उतनी ज्यादा तरक्की है के हिसाब से उसको महरूम रखा गया। हम ये उम्मीद करेंगे कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। हमें ना कोई अच्छी तरह से सड़क बनाई गई है, ना हमारे अस्पतालों में स्टाफ है, ना हमारे स्कूलों में सर टीचर हैं, और ना ही हमारे स्कूलों को सर अपग्रेड किया गया है। पिछले साल सर हम अपनी नुमाइंदे लेकर ड्यू काम साहब के पास भी आए थे, डीसी साहब के पास भी आए थे सर कि हमारी सड़कों पर तेल डाला जाए। डीकॉम साहब को याद नहीं होगा। तो सर प्लान भी बनाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन लास्ट में हमें कहा गया कि अब टाइम चला गया है तो आपकी सड़क का तेल अगले साल हो जाएगा। सर हमारे साथ हर साल यही होता, हम मिनिस्टर लोगों को भी वहां चढ़ाते हैं। सर हम श्रीनगर के नजदीक होने के बावजूद सर हम करना, कुपवाड़ा और उड़ी से भी बहुत पसमानदा है सर। पीछे जम्मू में भी कुछ साथियों से भेंट हुई थी, तीन चार बातें मेरे ध्यान में आती, मुख्य रूप से मैं उसका जिक्र करूंगा, फिर जो आपके निजी और हल्काई मसाइल हैं उनके बारे में अलग से विचार किया जाएगा। उस दिन मैंने कहा था कि किसी समाज की प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण रोल शिक्षा का होता है, एजुकेशन का होता है, और ये सच है कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आप जहां बसे हुए हैं आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाती है। वो मूविंग स्कूल हैं, मूविंग टीचर्स हैं, 6 महीने चलते हैं, 6 महीने नहीं चलते हैं। अभी यूटी प्रशासन में जो एजुकेशन के हेड हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बीके सिंह, उनको हमने विशेष रूप से ये बात कही थी कि ऐसे समाज के लोग जिनके बच्चे 6 महीने नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए एक ठोस योजना बनाने की जरूरत है, और ये तुरंत महीने दो महीने में नहीं होने वाला है,
लेकिन अगर ये पढ़ाई लिखाई का सिलसिला एक बार शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है 5-7-8 साल में वो ऐसी बन जाएगी, फिर उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ फैसले हुए हैं, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। एक तो जो मूविंग स्कूल्स में टीचर्स थे इनकी सैलरी 4,000 थी, 6,000 हो गई थी और वो ऑर्डर मुझे लगता है 10 दिन में निकल जाएगा कि अब उनको 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। दूसरा, जो बच्चे बर्फ गिरती है वो नीचे चले आते हैं, लोग पढ़ते नहीं, तो उनके असेसमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम शिक्षा विभाग ने बनाया है कि जब वो छुट्टियों में 6 महीने नहीं जाते हैं स्कूल, जब बैक फिर से स्कूल आते हैं तो लर्निंग आउटकम उनका कैसा रहा है और क्या ब्रिज कोर्स करा के जो 6 महीने का नुकसान हुआ है उसको कैसे भरा जा सकता है, इसकी भी एक व्यवस्था कराई गई है। तीसरा, ऐसे सभी बच्चों को कंपल्सरली बिना किसी भेदभाव के, चाहे 1,000 हो चाहे 5,000, सबको यूटी प्रशासन टैबलेट देगा जिसमें सारा एजुकेशन कंटेंट फीड रहेगा। बात समझ गए आप?